देखिए अखिलेश ने ट्वीट करके मौर्य का स्वागत किया और यह भी साफ तौर पर कर दिया, यह साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और ये देखिए तस्वीरें भी, देखिए कितनी तेजी से चीजें होती हैं। अखिलेश ने ट्वीट करके मौर्य का स्वागत किया और तस्वीरें भी अब सामने आ गई। और ये तस्वीरें अपने आप में उत्तर प्रदेश चुनाव में, जब 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी, उससे पहले जब सभी सियासी दल अपने अपने उम्मीदवारों पर मंथन कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की मुस्कुराती हुई तस्वीर अखिलेश यादव के साथ अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद बीजेपी से वो दूरी बनाई, उसके बाद उनके इस्तीफे में क्या कुछ कहा गया, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा की बात की गई, विपरीत विचारधारा और विपरीत परिस्थितियों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं साथ काम नहीं कर सकता और दलितों की उपेक्षा की वजह से आहत होकर के इस्तीफा दे रहा हूं। और इधर फौरन अखिलेश यादव के साथ उनकी यह तस्वीर सामने आती है और ट्वीट करके अखिलेश यादव उनका समाजवादी पार्टी में स्वागत करते हैं। और देखिए मानस, लगातार देखिए हम हर एक तस्वीर उत्तर प्रदेश चुनाव की हम दिखा रहे हैं और शायद न्यूज 24 देखिए लगातार सबसे पहले अपने दर्शकों तक ऐसी बड़ी अपडेट पहुंचाता है और एक बार फिर से हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके सियासी मायने अपने आप में बहुत कुछ, बीजेपी को कितना घाटा और समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान, अब यही आकलन होगा, सपा को कितना फायदा। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस नुकसान के लिए पहले से तैयार थी और मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी उसमें भी स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम नहीं था। अगर बीते कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो तब पार्टी की तमाम बैठकों से स्वामी प्रसाद मौर्य गायब थे, वो नजर थे। तो ये तो सबको आशंका थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के जाने वाले, क्योंकि राजनीति में बहुत चीजें बहुत देर तक छुपी नहीं रहती हैं। देखिए स्क्रिप्ट जरूर पहले लिखी जा चुकी थी लेकिन रंगमंच पर किरदार आज आपके सामने एक एक करके आ रहे हैं। पहले राजभवन को देखा हम लोगों ने और अब उसके बाद अखिलेश यादव के साथ भी देख रहे हैं। तो देखिए ये सारी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी और अब उसको आज उतारा गया है, थिएटर पे सजाया गया है उसको, किरदार एक एक करके सामने आ रहे। हो सकता है कि अभी कुछ और भी किरदार सामने आए, कुछ विधायकों की भी इस बीच में चर्चा हुई थी कि कुछ और विधायक भी जो है वो नाराज हैं, जिनका टिकट कट सकता है, वो समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है और उसके पास भी एक बड़े मजे हुए रणनीतिकार हैं, तो उनको भी ये इस बात की आशंका थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐन मौके पर पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि बसपा का जब उन्होंने साथ छोड़ा था उस वक्त भी मायावती के लिए एक बड़ा झटका था और अचानक से उन्होंने छोड़ा था, जबकि उनकी बात बीजेपी से काफी समय से चल रही थी। चुनाव से ठीक पहले वो बीएसपी में आए, उसके बाद एक के बाद आपने देखा होगा कि ताबड़तोड़ बसपा से एक एक करके नेता भाजपा में शामिल होने लगे थे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक तक के बड़े नाम थे, जिनको बाद में न केवल चुनाव लड़वाएगा बल्कि मंत्री पद देकर के भी सुशोभित किया गया। तो इस बार देखिए बारी बीजेपी की है, बीजेपी के साथ 5 साल तक वो सत्ता में रहे और उसके बाद अब वो अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। तो देखिए सियासत में ना दोस्ती स्थायी होती है और ना दुश्मनी स्थायी होती है, बात मौके की होती है कि जब मौका मिला, जिसके साथ मिला, जहां पर सहूलियत हुई, जहां पर देखा कि अपना फायदा हो सकता है, वहां पर सियासी लोग